जयपुर से अब तक पहुंचाएंगे। आमेर से हारने के बाद सतीश पूनिया काफी आहत नजर आ रहे हैं। चुनाव हारने के बाद सतीश पूनिया, ये हार एक आघात जैसी है, उन्होंने कहा यह हार सोचने पर मजबूर करने वाली। सपने देखे थे कि आमेर में रिवाज बदलेगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। मेरे लिए कठिन परीक्षा की घड़ी है, अब इलाके के लोगों की सेवा नहीं कर पाऊंगा। पार्टी नेतृत्व को निर्णय से अवगत कराऊंगा, लंबे अरसे से संगठन के काम में लगा रहा, अब कुछ समय पारिवारिक काम में लगाऊंगा। आमेर को राम राम कह दिया गया है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि सतीश पूनिया जो हैं वो चुनाव हार गए थे, और जिसके बाद अब जो है उनका ये बयान सामने आया है। कांग्रेस के 55 साल के राज में राजस्थान का मतदाता उनसे इतना अजीज है कि आज पानी तो सतीश पूनिया हारने के बाद काफी आहत नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सोचा था कि राजस्थान में इस बार रिवाज बदलेगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब मैं परिवार को अपना समय दूंगा, ये हार एक आघात है। और जयपुर से टेलीफोन लाइन पर सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, बड़ा दर्द है सतीश पूनिया के बयान में। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार की हार हुई है, सतीश पूनिया आमेर हमेशा डेडिकेट जो है वो नजर आते थे, तो उसके बाद ये हार कह सकते हैं कि ज्यादा आहत जो है वो हो गए हैं, और उसी कारण से ये कह सकते हैं बहुत संदेश जो है वो आमेर की जनता को उन्होंने लिखा है। लेकिन एक बात जो है वो उन्होंने इसमें बड़ी लिखी है, वो कि ये जो इलाका है ये जातीय बाहुल्य है, और जातियों के जंजाल से उठकर उन्होंने विकास का सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और उनको ये बड़ी हार जो है वो मिली। और उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि अब वो आमेर की जनता के लिए जो है वो उपलब्ध नहीं रहेंगे। ये एक बड़ी बात जो है वो उन्होंने कही है। हालांकि ये अलग कहा कि इस क्षेत्र के लिए पार्टी नेतृत्व से किसी और नेता को आग्रह करने की बात कही कि वो इस क्षेत्र में जो है वो काम करें, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब वो इस आमेर के जनता आमेर के लिए समय नहीं दे पाएंगे, पारिवारिक कार्य में समय दे पाएंगे। ये बात सही है, यानी सतीश पूनिया पहले नेता जिन्होंने हार के बाद बड़ा फैसला लिया है, और आमेर की जनता को एक तरह से उन्होंने राम राम कह दिया है। ये राम राम कह दिया, ये कुछ समय के लिए है या फिर हमेशा के लिए? ये क्योंकि इशारा बहुत बड़ा है सौरभ, संन्यास तो नहीं ले लेंगे वो फिर राजनीति से आगे चल के, कुछ ऐसा कुछ इशारा किया है? देखिए राजनीति से संन्यास की बात नजर नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि उनका जिस प्रकार का बयान आया कि दो बार उन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़ा, एक बार वो 300 वोटों से हार गए, और उसके बाद फिर बड़ी जीत जो है वो उनको मिली, लेकिन उनका ये कहना कि इस क्षेत्र में उन्होंने काम किए थे और उन्हें विश्वास था कि काम के आधार पर जनता जो है वो वोट देगी, ना कि जातियों में बटते हुए जो है वो वोटिंग होगी, उनका साफ तौर पर ये कहना। और यानी वो ये कहना चाहते हैं कि अब आमेर की बजाय वो अपना कर्म क्षेत्र संभवतः कोई और जो है वो तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले अभी की बात जो उन्होंने जो कही है उसके अनुसार ये लगता है कि हाल फिलहाल अब वो अपनी हार से इन बयानों में आहत दिखे हैं। उन्होंने आगे की संभावनाएं भी बताई कि आगे की उनकी रणनीति क्या है, वो क्या कुछ करने वाले हैं, हार के कारण क्या रहे सौरभ, इसके बारे में कुछ बोला है? देखिए कारण तो वो नहीं बता पाए, लेकिन ये जरूर बताया उन्होंने कि जब वो पहली बार यहाँ से चुनाव लड़े और हारे, तब भी उन्होंने जो है वो हारने के बावजूद इस क्षेत्र में काम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, कई डेवलपमेंट कार्य कराए। उनके जो भाषण थे पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान, उन्होंने कहा था कि हारने के बावजूद जब पिछला चुनाव वो हारे थे तब तो उसके बावजूद उन्होंने 1500 करोड़ के काम जो है वो आमेर के क्षेत्र में कराए, या तो उनका एक कदम है लगातार इस क्षेत्र की जनता के लिए यहाँ के लोगों के लिए सक्रिय रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी हार हुई है तो वो बहुत ज्यादा आहत है। अब अभी फिलहाल तो उनका एक
अब आगे देखना होगा क्या कुछ बोलते हैं वो। बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए।